अच्छा ये बताइए, आपके घर में कभी ना कभी चावल ज़रूर बचते होंगे। अगर चावल बचते हैं ना, तो आप इनसे एक चीज़ी स्टिक्स बना सकते हो, राइस की चीज़ी स्टिक्स। तो चलिए बनाते हैं। तो राइस की चीज़ी स्टिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए बासी चावल, ठीक है। और ये मैंने ना चीज़ को रेक्टेंगल शेप में काटा है ताकि स्टिक्स में आ जाएँ। ये तो जो है ब्रेड चंक्स हैं, वहाँ हमने जो लिया है इस कंसिस्टेंसी का वो जो है कॉर्नफ्लावर वो लेना है, और आपको यहाँ पे मतलब उबले हुए आलू लेने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, और आप बोलोगे ना क्या ही रेसिपी बताई है मैंने, और हाँ पूरे यूट्यूब पर भी नहीं है ये वाली रेसिपी, क्योंकि ये मैंने खुद निकाली है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मसाले आपको पसंद हो, धनिया पाउडर, चाट मसाला, और आपका गरम मसाला, नमक, हल्दी वल्दी नहीं डालनी है, लाल मिर्ची डालनी है, ठीक है, ज़ीरा पाउडर डालना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें चावल को भी मिक्स कर लेना है, पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना उसका, या तो दोनों एक साथ भी कैसे कर सकते हो, है ना। और फिर उसके चावल को भी इसमें मिक्स कर लेना है, और अच्छे से हाथ से मैश करना है, वरना आपके चावल मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बासी चावल थोड़े से टाइट हो जाते हैं ना, तो आपको हाथ से जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना, आपके चावल जो अच्छे से मैश नहीं, जैसे आलू वाली शेप में आ जाए चावल अच्छे से मिक्स होके, उसके बाद रोल बनाना शुरू करना। अदरवाइज अच्छे से मिक्स करना, ऐसे नहीं बस हल्का सा घुमाया और मिक्स हो गया। देखो यहाँ पे एकदम मिक्स हो गया है, चावल और आलू अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद आपको ऐसे रोल बनाना है, पतला पतला, आप जितना पतला रोल बना सकते हो ना उतना मज़ा आएगा खाने में, और उतना ही क्रंची बनेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर डालना है आपको चीज़ का, जो चीज़ मैंने काटा है ना, वो चीज़ भी जितना पतला हो ना उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब लंबा लंबा हो लेकिन पतला हो। उसके बाद इसको अच्छे से रोटेट करके करना है, मतलब कहीं से भी कोई दरार ना रह जाए, वरना फ्राई होने पर ना चीज़ वो चटकता है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन चीज़ जब फ्राई होता है तो फिर वहाँ पे बबल्स निकलते हैं अगर कहीं भी कट रह जाए तो। थोड़ा सा लग रहा है टफ, लेकिन बहुत ईजी है और बहुत यमी है खाने में, और बहुत ही सिंपल है यार। जब हम बताते हैं तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, जब हम खुद बनाते हैं। और अपना थोड़ा जुगाड़बाजी अपनी भी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने सारे रोल्स को ऐसे बना लिया है, उसके बाद क्या करना है, कॉर्नफ्लावर में मिलाना है, उसके बाद उसको उसमें मिलाना है जो ब्रेड क्रंचेज है उसमें मिलाना है, फिर एक बार फिर से कॉर्नफ्लावर में मिलाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगा, और उसके बाद फिर मतलब इसको मिला के हाथ से थोड़ा सा सेट करना है, ताकि जो ब्रेड क्रंचेज है ना वो अंदर तक चले जाएँ, और बहुत ही क्रिस्पी जो फ्लेवर है वो आएगा, तो बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में आपको। इस बार मैं हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से करने में बहुत ईजी रहता है। इसके बाद ये सारे रेडी हो चुके हैं, हम इसको फ्राई करते हैं। देखो हो गए फ्राई, और यार ये पता हो, देखो मेरी फिंगर की साइज़ से भी बड़े बड़े बने थे, मतलब मेरी फिंगर, और मैं चाहती तो और लंबा बना सकती थी इसको, और बहुत ही अमीर यार, मेरी मम्मी को तो बहुत ही पसंद आए थे, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना के ना कभी कभी शाम के नाश्ते के लिए ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हो तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।